हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वारम फार्मेसी में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर नंबर 9 की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वरना तक बने रहे। आज का हमारा पहला सवाल है, परमिएशन थ्रू प्लास्टिक कंटेनर्स प्रेजेंट प्रॉब्लम टू डोजेज फॉर्म्स विच आर सेंसिटिव टू। ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। माइग्रेशन ऑफ एडिटिव्स फ्रॉम प्लास्टिक कंटेनर टू द फॉर्मुलेशन स्टोर्ड इन इट्स इट इज टर्म्ड एज। ऑप्शन दिया गया लीचिंग, सॉर्प्शन, परमिएशन या केमिकल रिएक्शन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीचिंग। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम ड्रग प्रोडक्ट बाय द पैकेजिंग मटेरियल इज कॉल्ड। ऑप्शन है सॉर्प्शन, लीचिंग, केमिकल रिएक्शन या परमिएशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉर्प्शन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉर्प्शन फ्रॉम प्रोडक्ट आर, ऑप्शन दिया गया है केमिकल स्ट्रक्चर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ऑल ऑफ द एबव। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है द फिजिकल एंड केमिकल अल्टरेशन ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल बाय द ड्रग प्रोडक्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया गया है केमिकल रिएक्टिविटी, लीचिंग, मोडिफिकेशन या सॉर्प्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोडिफिकेशन। सॉफ्टेनिंग इफेक्ट ऑफ ऑन पॉलीथिलीन ड्यू टू ऑयल्स स्टोर्ड इन इट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है मॉडिफिकेशन, लीचिंग, केमिकल रिएक्टिविटी, सॉर्प्शन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है मेन पर्पस ऑफ एडिंग एंटीमोनी टू लीड इन द प्रिपरेशन ऑफ कोलेपिसिबल ट्यूब्स इज टू। ऑप्शन है इनहांस प्लेएबिलिटी, इंक्रीज मेलिएबिलिटी, रिड्यूस पोरोसिटी या इंक्रीज हार्डनेस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज हार्डनेस। विच मेटल ट्यूब हार्डेंस ऑन यूज एंड मे डेवलप लीक्स। ऑप्शन दिया गया टीन, लीड, एल्यूमिनियम या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कोलेप्सिबल ट्यूब्स। ऑप्शन है टीन, लीड, एल्यूमिनियम, आयरन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीन। विच मटेरियल इज यूज फॉर लाइनिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ मेटल कोलेप्सिबल ट्यूब्स। ऑप्शन दिया गया वैक्स, फिनोलिक्स, एक्सपोक्साइड्स एंड विनिल्स या ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कोलेप्सिबल ट्यूब्स। ऑप्शन दिया गया है लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन या ऑल ऑफ द एबव। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। साइड सीमर इज अ मशीन व्हिच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। ऑप्शन ए मेटल कोलेप्सिबल ट्यूब, प्लास्टिक कोलेप्सिबल ट्यूब, लैमिनेटेड ट्यूब या नन ऑफ दिस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैमिनेटेड ट्यूब। प्रेस ऑन, रोल ऑन, फ्रिक्शन, इट इज द डिजाइन ऑफ। ऑप्शन ए क्लोजर्स, लैमिनेट्स, मेटल कोलेप्सिबल ट्यूब या नन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लोजर्स। द ओवेन्स लुनोइस टॉर्क टेस्टर इज यूज इन द इवेल्युएशन ऑफ। ऑप्शन दिया गया ग्लास कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, मेटल कंटेनर्स या प्लास्टिक मोल्डेड क्लोजर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक मोल्डेड क्लोजर्स। फेसिंग मटेरियल एंड बेकिंग आर द पार्ट ऑफ। ऑप्शन है होमोजीनियस लीनर, रबर क्लोजर, हेट्रोजीनियस लीनर या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेट्रोजीनियस लीनर। नेक्स्ट है क्यूजनिंग एंड सीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कैप आर प्रोवाइडेड बाय। ऑप्शन दिया गया साइलेंट बेकिंग, फेसिंग मटेरियल, बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिसाइलेंट बेकिंग। द रबर पॉलीमर्स कॉमनली यूज फॉर रबर स्टॉपर्स आर। ऑप्शन दिया गया नेचुरल रबर, न्यूप्रेन, ब्यूटाइल रबर या ऑल ऑफ द एबव। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। सल्फर इज एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर क्लोजर्स एज। ऑप्शन दिया गया है वल्कनाइजिंग एजेंट, एंटी ऑक्सीडेंट, एक्सेलरेटर या पिगमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्कनाइजिंग एजेंट। जिंक ऑक्साइड इज एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर क्लोजर्स एज। ऑप्शन है वल्कनाइजिंग एजेंट, एंटी ऑक्सीडेंट, एक्सेलरेटर या पिगमेंट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेटर। नेक्स्ट फेनोलिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन दिया गया थर्मोसेटिंग रेजिन्स, थर्मोप्लास्टिक रेजिन्स, बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव।
तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए थर्मोसेटिंग रेजिन। नेक्स्ट है पॉलीस्टीरीन इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन जाएगा थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक रेजिन, बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थर्मोप्लास्टिक रेजिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टेम्पर रेजिस्टेंस पैकेजिंग एज डिफाइंड बाई एफ डी ए रेगुलेशन 21 सी एफ आर पार्ट्स 211 314 एंड 700। ऑप्शन दिया गया है फिल्म रैपर्स, टेप सील्स, ब्लिस्टर पैकेज या ऑल ऑफ द एबव। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। एंड फोल्डेड एंड फिन सील आर द टाइप्स ऑफ, ऑप्शन है फिल्म रैपर्स, टिप सील्स, सील्ड कार्टून्स या ब्लिस्टर पैकेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिल्म रैपर्स। नेक्स्ट है हीट सीलेबल एक्रीलिक कोटिंग आर अप्लाइड टू इम्पार्ट हीट सीलिंग करेक्टरिस्टिक्स टू, ऑप्शन है पॉलीप्रोपिलीन, सेलोफेन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीप्रोपिलीन। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है नाइट्रोसेलुलोज इज अप्लाइड टू सेलोफेन टू इम्पार्ट, ऑप्शन देगा क्रिस्टल क्लैरिटी, मशीनेबिलिटी, हीट सीलेबल करेक्टरिस्टिक या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीट सीलेबल करेक्टरिस्टिक। कंपेरेटिवली हाइएस्ट सील इंटीग्रिटी इज ऑब्जर्व्ड इन, ऑप्शन दिया गया एंड फोल्डेड रैपर, फाइन सील रैपर, श्रिंक रैपर या नन ऑफ दिस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइन सील रैपर। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीट सीलेबल मटेरियल, पूछा गया कि हीट सीलेबल मटेरियल का एग्जाम्पल कौन सा होगा। ऑप्शन दिया गया पॉलीथिलीन, सायरीन, नाइट्रोसेलुलोज या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है पॉलीविनाइलिडेन क्लोराइड लेमिनेशंस आर अवेलेबल अंडर द ट्रेड नेम ऑफ, ऑप्शन दिया सैरन, एक्लर, सुरलिन या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैरन। नेक्स्ट है एक्लर इज केमिकली, ऑप्शन दिया गया पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीविनाइलिडेन, पॉलीक्लोरोट्राइफ्लोरोएथिलीन या नन ऑफ दिस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मेन पर्पस ऑफ अप्लाइंग सैरन एंड एक्लर लेमिनेट्स इज टू इम्पार्ट, ऑप्शन दिया गया मॉइस्चर रेजिस्टेंस, हीट सीलेबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ या नन ऑफ द अबव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉइस्चर रेजिस्टेंस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।